आम्रपाली ग्रुप के प्रबंध निदेशक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सीबीआई ने अनिल शर्मा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। 9 साल पुराने मामले में पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया था। मामला आपको बता दें लखीसराय के एक स्कूल की जमीन प्रकरण से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने मामला दर्ज करने के साथ ही सीबीआई पटना के इंस्पेक्टर गौतम कुमार अंशु को जांच पदाधिकारी नियुक्त करते हुए जांच शुरू कर दी है। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी आदित्य का, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आदित्य, काफी पुराना मामला है, हाईकोर्ट के बाद ये मुकदमा दर्ज करने की बात की गई है आम्रपाली ग्रुप के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनके खिलाफ। जी बिल्कुल, जहाँ तक देखा जाए तो आम्रपाली ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल शर्मा के अलावा 6 अन्य लोग इंक्लूडिंग डॉक्टर प्रवीण सिन्हा, डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह, श्री राजेंद्र सिंह हानिया, श्रीमती अनीता सिंह और शंभु शरण सिंह और अजय श्याम सिंह पर ये मुकदमा दायर किया गया है। इसके अलावा 2 अन्य अभियुक्त भी हैं जिनका नाम मेंशन नहीं किया गया है एफआईआर में। बड़ी बात यह है कि ये वही मर्डर केस है जिसमें डॉक्टर शरद चंद्र, जो कि उस समय तत्कालीन सेक्रेटरी थे बालिका विद्यापीठ लखीसराय के, उनका मर्डर हुआ था लखीसराय के ही नहीं, और वहां पर उनको गोली मारी गई थी जब वो बैठकर अखबार पढ़ रहे थे अपने घर में। और इसी मामले को लेकर फाइनली अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है और अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी लगा दिया गया है। होपफुली इस मामले को क्रैक किया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अनिल शर्मा, जो कि आम्रपाली ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनका नाम फिर से विवादों में काफी तरीके से आ गया है।